से बीच में कुछ मनमुटाव पिछले दिनों से देखने को मिल रहा है। कल विधायक से बातचीत भी हुई थी तो उन्होंने नकार दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माननीय विधायक जी पूरे पार्टी को समय देते हैं और साथ लेकर के चलते हैं, और आप बार बार ये क्वेश्चन मेरे से भी प्रेस के बंदों भी बार बार पूछते रहे हैं। देखिए, 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर 11 रुद्र शिव मंदिर के अंदर महारुद्र यज्ञ में उनका आना हुआ था, और उसके निमित्त हमने मंत्री विधायक के अलावा तीन चाय स्वयं मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजी थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी तीन की तीन चाय पी करके गए हैं, और इन तीन चाय पर मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहा हूँ। अब ये किस प्रकार से इसको दिखाया जा रहा है, मैं एक बात ये कहता हूँ कि झूठ के पांव बहुत कम होते हैं। झूठ कुछ दिन फड़फड़ा सकता है, जीत सत्य की होती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सुरेश गर्ग नोद जी की, ज्योति सैनी जी की, मुकेश जैन जी की जो चाय हमने भेजी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी तीनों चायों को उनके घर जा कर के पी करके गए हैं, और बहुत ही हर्षो उल्लास के साथ वो दिन रहा। और उस दिन जिस प्रकार का माहौल पहले था, कोरोना काल के दौरान कुछ कमियां आई थी, कुछ कनेक्टिविटी कम हुई थी, लेकिन जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी 26 तारीख को महारुद्र यज्ञ में पहुंचे, तो जब हम यज्ञ के बाहर जब निकले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करने के लिए कैथल जिले की जनता मंदिर परिसर से बाहर हजारों की संख्या में लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को नमस्कार की, उनका अभिवादन किया। और ठीक इसी प्रकार से शहीद स्मारक स्थल पर भी जब हम बाहर निकले तो वहां पर भी सैकड़ों की संख्या में युवा साथियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन किया। तो बहुत प्रभावी दौरा माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा है, और उसमें कुछ लोग विपक्ष के ये भी कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोई सौगात देकर के नहीं गए। मैं कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों रुपयों के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन यही PWD रेस्ट हाउस में किया है, और सब मिलजुल करके काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा बहुत ही प्रभावी दौरा था, जिससे सभी कार्यकर्ता हर्षोल्लास में हैं। देखिए देखिए, मैं एक बात कहता हूं कि ये आप क्वेश्चन देखो, मीडिया के आप साथी हैं, सारी बातें आपके सामने हैं। ज्योति सैनी जी के घर गए, वहां की तस्वीरें आपके पास हैं। आप सुरेश गर्गनोद जी के घर भी, आप लोग भी थे, मीडिया के मेरे सम्मानित पत्रकार छायाकार बंधु थे, वहां की तस्वीरें आपके पास हैं। मुकेश जैन जी के घर मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ गाड़ी में था, तो वहां की तस्वीरें भी आपके पास हैं। देखिए, मैं इस बात को फिर दोहराता हूं, कोई माननीय विधायक जी इस बात से कोई नाराज नहीं है। और देखिए भाई, मैं देखिए मैं अपनी बात करता हूं कि मैंने एज ए जिला अध्यक्ष मंत्री जी श्रीमती कमलेश डांडा जी के निवास स्थान पर चाय, विधायक लीलाराम जी के निवास स्थान पर भोजन, उसके पश्चात श्रीमती ज्योति सैनी जी के निवास स्थान पर चाय, सुरेश गर्ग नोच जी के निवास स्थान पर चाय, मुकेश जैन जी के निवास स्थान पर चाय जो हमने रखी थी, वो सभी माननीय मुख्यमंत्री जी उनके घर में जाकर के पी करके। विधायक ने सर ये कहा है कि एक दिन पहले जब मीटिंग हुई थी, ये शेड्यूल जो आपने बताया, देखिए देखिए मैं देखिए 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 मैं जो बात आपको क्लियर कर रहा हूँ, मैं इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं कि जो चाय हमने भेजी थी वो चाय माननीय मुख्यमंत्री जी पी करके गए हैं। जिलाध्यक्ष जी, आप इस बारे में मेरा पत्रकार साथियों से बड़ा निवेदन भी है, और आपसे मैं भाई साहब एक रिक्वेस्ट भी करता हूं, जो क्वेश्चन आप बार बार मुझसे पूछ रहे थे, आज भी आपने मेरे से पूछा तो मैंने उसका जवाब दिया है, और यही बात है। नहीं, जब आप कह रहे हो मतलब चाय ठीक ठाक रही, उसके बाद भी जाते जाते सीएम जिलाध्यक्ष जी को बोल गए कि विधायक जी से बना कर रखो। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं मुझे नहीं पता आपके पास क्या बात है। मैं मुख्यमंत्री जी के साथ आखिर तक रहा हूं, मैं जो
मैं अपनी बात कह सकता हूँ, आपके मन में आपके कानों में क्या बात आई है मुझे नहीं पता। अरे पालाराम सैनी की पार्टी में है नहीं। देखिए भाई साहब, मैं एक बात कहता हूँ, मैं किसी के बारे में मैं कोई आज तक मैं एक बात स्पष्ट कर देखिए मैं एक बात इसमें क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए मैं संगठन का एक जिम्मेवार पद पर हूँ और बहुत सी कार्यक्रम तय करते हुए सारी बातों का ध्यान रखते हुए कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से व्यवस्थित करते करते हो सकता है हमारी एक टीम वर्क में कोई चीज़ छूट भी जाए। देखियो मैं सारी बातों को स्पष्ट करता हूँ और सब मिलजुल करके बहुत अच्छा आज काम कर रहे हैं। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की धर्म जी मैंने सारी बातों का जवाब दिया है। देखिए मैं आपकी बात को फिर दोहराता हूँ, आप इस बात को बार बार ना कहें। देखिए भाई मैं आपको फिर इस बात को दोहराता हूँ, आज संगठन की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हमारे नगर परिषद के हमारे चुनाव प्रभारी आदरणीय श्री असीम गोयल जी ने आज शक्ति केंद्र प्रमुख पालकों की बैठक आज यहां पर ली थी और आगे आगामी दिनों में संगठनात्मक कार्यक्रम पार्टी के और बढ़ेंगे और आप सब साथियों से रूबरू होता रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।